गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग जनवरी 2015 में जो गवर्नमेंट है उसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को एक न्यू इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका जो नाम रखा गया वो था नीति आयोग और इसकी जो फुल फॉर्म है नीति की दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये जो आयोग है उस वो सर्व करता है एज अ थिंक टैंक थिंक टैंक मतलब वो आयोग जो सोचेगा पूरी कंट्री के लिए कि किस तरीके से उसको हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है जो नीति आयोग है वो प्रोवाइड करवाएगा गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पे भी रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस ऑन द की पॉलिसी इश्यूज़। प्रोवाइड करवाएगा स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस ऑन की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो नीति आयोग है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा फ्रीडम देगा स्टेट्स को और प्रमोट करेगा कोपरेटिव फेडरलिज्म को स्टेट्स को ज्यादा स्ट्रांगर बनाएगा इम्प्लीमेंटेशन जो की प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स की है उसके प्रोसेस को इंक्रीज करेगा और इंश्योर करेगा कि बेटर सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो तो जो नीति आयोग है वो करेगा कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा और प्रोवाइड करवाएगा गाइडेंस स्टेट्स को कि वो किस तरीके से अपना जो स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा है उसको डिजाइन करें इन अकॉर्डेंस नेशनल एजेंडा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में ईयर्स के बाद जो कंट्री है उसने प्रोग्रेस किया फ्रॉम एन अंडर डेवेल्प इकोनॉमी टू एन एमरजेंट ग्लोबल नेशन विद ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड और जो नीति आयोग है उसके लिए सेटअप किया गया तो जो लोग हैं इंडिया के उन्हें ग्रेट एक्सपेक्टेशन है की इस वजह से नीति आयोग के एस्टेब्लिश होने के बाद जो इम्प्रूवमेंट है गवर्नेंस में मेजर इंस्टीट्यूशन के वो होगी जो नीति आयोग है जैसे हमने पहले ही बात की वो डिजाइन करेगा एक नेशनल एजेंडा गाइड करेगा स्टेट्स को डिजाइन करने में उनका खुद का एजेंडा जो नेशनल एजेंडा के लाइन में होगा तो जो नीति आयोग है वो न्यू पॉलिसी रिलेटेड आइडियाज देगा और ये आइडियाज वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा ताकि जो स्ट्रेटेजिक और विशनरी प्लान्स है वो बनाए जा सके नीति आयोग मॉनिटर करता है जो भी इम्प्लीमेंटेशन है और इवेलुएशन है की प्रोजेक्ट्स की गवर्नमेंट की जैसे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत प्रोग्राम एसेट्रा नीति आयोग हेल्प करता है जो भी इशूज है इंटरसेक्टोरल और इंटर डेवलपमेंटल इशूज को उनको सॉल्व करने की ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की उनके पेस को एक्सेलरेट किया जा सके और नीति आयोग इस चीज के लिए स्पेशल अटेंशन पे करता है उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर जिनके पास एडिक्यूट जो है फैसिलिटीज़ नहीं है जो बेनिफिट वो नहीं ले पा रहे हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फंक्शंस क्या है नीति आयोग के सबसे पहला है डिटरमाइन करना नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को फ्रेम करना स्ट्रेटजीज वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स और इसके लिए वो डिजाइन करेगा नेशनल एजेंडा फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर रिकॉग्नाइज करना कि जो स्ट्रांग स्टेट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं इस चीज को और इसके लिए वो जो स्टेट्स हैं उनको इंगेज करेगा प्लानिंग में कॉन्टिन्यूस बेसिस पर और इनकरेज करेगा कॉपरेटिव फेडरलिज्म को देन डिवेल्प करेगा एक मकानिज्म फॉर्मुलेट करने के लिए प्लान्स को एट द विलेज लेवल और एग्रीगेट करेगा उन

देन इनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन मेन स्टेक होल्डर्स का एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स का रिजॉल्व करेगा इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज को ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इंप्लीमेंटेशन नेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एस्टैब्लिश करेगा मेनटेन करेगा एक सोफेस्टिकेटेड रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस ताकि हेल्प कर सके डिसमिनेशन ऑफ आइडियाज और सजेशन में टू वेरी वेरियस स्टेक होल्डर्स देन फोकस करेगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर कैपेसिटी बिल्डिंग पर फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देन मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन का और इवेल्युएशन करेगा कि प्रोजेक्ट्स का जो गवर्नमेंट के हैं जैसे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत प्रोग्राम एक्सेट्रा इन कलेबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट्स अंडरटेक करेगा अदर एक्टिविटीज जैसे नेसेसरी लगती है फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव कम्पोजिशन क्या है नीति आयोग का चेयरपर्सन जो होता है उसका वो प्राइम मिनिस्टर है वाइस चेयरमैन प्रेजेंटली डॉक्टर राजीव कुमार है जिसे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है देन गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के रीजनल काउंसिल है वो नीड के बेसिस पर फॉर्म की जाती है और उसमें भी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं रीजनस के देन फुल टाइम मेम्बर्स थ्री है प्रेजेंटली जिसमें डॉक्टर वी सरस्वत प्रोफेसर रमेश चंद एंड डॉक्टर वीके पाल हैं देन एक्स ऑफ इशू मेंबर्स जो मेंबर्स हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटली अमित शाह राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर हैं स्पेशल इनवाइटिस में एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं जिनकी पास स्पेसिफिक नॉलेज है प्रेजेंटली नितिन जयराम गडकरी पीयूष गोयल थवारचंद गहलोत एंड राव इंदरजीत सिंह है देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका फिक्स टेन्योर होता है और वो पर्सन होता है सेक्रेटरी रैंक का टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली अमिताभ कांत है देन सेक्रेटरी सेक्रेट्रेट जैसे भी नेसेसरी लगता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है जो प्लानिंग कमीशन है उसे रीस्ट्रक्चर किया गया और उसे रीनेम किया गया एज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसे आप नीति आयोग कहते हैं मेन डिफरेंस क्या है दोनों में सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क की बात अगर करें तो जो नीति आयोग है वो वर्क करेगा एज एन एडवाइजरी बॉडी और थिंक टैंक वो रेलिवेंट स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके पास कोई पावर नहीं होगी फंड्स को एलोकेट करने की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये जो पावर होगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होगी जबकि जो प्लानिंग कमीशन थी उसके पास ये पावर थी कि वो एलोकेट करता था फंड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को और वर्क करता था एज एडवाइजरी बॉडी तो जो प्लानिंग कमीशन का काम था वो ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव था देन रोल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो जो रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है आ, जो नीति आयोग में है उसमें एज कम्पेयर टू जो रोल उनका प्लानिंग कमीशन में था जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ज्यादा पावर है फ्रीडम है स्टेट प्लान को बनाने के लिए और वो प्रमोट करता है कॉपरेटिव फेडरलिज्म को अंडर नीति आयोग जबकि जब प्लानिंग कमीशन थी तो प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास लेस पावर्स होते स्टेट के प्लान्स डिजाइन करने के लिए और उन्हें अप्रूवल लेनी पड़ती थी प्लानिंग कमीशन से फॉर फाइनलाइजिंग देयर स्टेट प्लान्स देन फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो जो नंबर है फुल टाइम मेंबर्स का वो कम है नीति आयोग में एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन और ये स्मॉलर बॉडी है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग कमीशन थी वो कम्पेरेटिवली लार्ज बॉडी थी और जो लास्ट प्लानिंग कमीशन थी उसमें भी एट फुल टाइम मेंबर्स थे देन आता है पार्ट टाइम मेंबर्स जो नीति आयोग है उसमें पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं और ये लीडिंग यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो प्लानिंग कमीशन के पास पार्ट टाइम का कोई प्रोविजन नहीं था देन अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी की बात करें तो जो मेंबर सेक्रेटरी है वो उसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है और वही वो जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर जो प्लानिंग कमीशन था उसमें मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी वो यूजुअल प्रोसेस के थ्रू जो है अपॉइंट किए जाते थे नेक्स्ट बात हम करते हैं थ्री ईयर एक्शन एजेंडा की जो ये इयर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं टू से एटीन से लेकर टू टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तक जो नीति आयोग है उसने प्रपोज किया फिफ्टीन ईयर विजन सेवन ईयर स्ट्रैटेजी एंड थ्री ईयर एक्शन एजेंडा प्रमोट करने के लिए फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो विजन स्ट्रेटेजी और एक्शन एजेंडा है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप फाइव ईयर प्लान से हट चुके हो और अब और अब जो चीज फॉलो हो रही है is, कि आप 15 ईयर का विजन लेके चल रहे हो उस 15 ईयर के विजन को कंप्लीट करने के लिए अचीव करने के लिए आप 7 ईयर की स्ट्रेटजी बना रहे हो और जो आपके थ्री uh, ईयर का उसके लिए आप एक्शन एजेंडा बना रहे हो तो जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान था वो लास्ट था प्लान में तो जो नीति आयोग है उसने प्रपोज किया कि अब फाइव ईयर प्लान का जो मॉडल है डेवलपमेंट का उसे डिसकॉन्टिन्यू किया जाए और जो गवर्नमेंट है उसका भी जो प्लान है नॉन प्लान क्लासिफिकेशन वो करती है एक्सपेंडिचर का उसे भी डिसकॉन्टिन्यू किया जाए फ्रॉम द ईयर 2017-18 तो जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट किया रोड मैप फ्यूचर के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम फिजिकल ईयर टू थाउजेंड तो जो फाइव ईयर प्लान से उसे डिसकॉन्टिन्यू किया गया आफ्टर द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान पीरियड देन लॉन्गर विजन 15 ईयर्स का जो है वो फार्मूलेट किया गया कन्वर्ट किया गया लॉन्गर विजन को इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी में जिसमें सेवन ईयर स्ट्रेटेजी जो है वो फार्मूलेट की जाती है और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को थ्री ईयर एक्शन एजेंडा से जो फार्मूलेट किया जाता है तो जो विजन स्ट्रेटेजी और एक्शन एजेंडा है वो हेल्प करते हैं अलाइन करने में जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसको विद करंट बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ दी इकोनॉमी और अगर इसकी प्रोसेस की बात शुरू करें तो जो नीति आयोग है उसने फॉर्मुलेट किया थ्री ईयर एक्शन एजेंडा फॉर दीरियड पीरियड 2017-18 टू 2019-20 अलाइन करते हुए जो रिमेनिंग थ्री ईयर जो टेन्योर के बचे थे फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के तो ये जो थ्री ईयर एक्शन एजेंडा है ये पार्ट है फिफ्टीन ईयर विजन और सेवन ईयर स्ट्रैटेजी का जो फिफ्टीन ईयर विजन और सेवन ईयर स्ट्रैटेजी है वो लॉन्च की नीति आयोग ने वो लॉन्च करेगा एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट जो एक्शन एजेंडा है वो नीति आयोग जो है वो बेस्ड है ऑन प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर जो है सबका साथ सबका विकास जो एक्शन एजेंडा है वो प्रपोज करता है एक पाथ कि कैसे आपको अचीव करना है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो एक ब्रीफ आउटलाइन है एरियाज की जो इस ईयर सेक्शन एजेंडा में कवर किए जाते हैं तो उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या पहला है आपका मीडियम टर्म रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क इस प्रपोज थ्री ईयर एक्शन एजेंडा में क्या था फिस्कल डेफिशिएट का जो टारगेट था वो था उसे रिड्यूस किया जाए थ्री परसेंट ऑफ जेडीपी का बाय ईयर 2018-19 और मेंटेन किया जाए इसे एट थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी इन ईयर 2019-20 आल्सो जो रेवेन्यू डेफिशिएट है उसे टारगेट किया गया कि उसे रिड्यूस किया जाएगा टू जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जीडीपी बाय ईयर 2019-20 देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसे टारगेट किया गया कि उसे रिड्यूस करना है आपने फ्रॉम 87 परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015-16 फिफ्टीन सिक्सटीन टू एट्टी परसेंट इन 2019-20 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका टारगेट था कि रेस किया जाएगा उसे 13% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015-16 से 20% इन 2019-20 और इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो वो हेल्प करेगा इन इंक्रीजिंग पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन जो क्लासिफिकेशन है पब्लिक एक्सपेंडिचर की एज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उसे खत्म किया जाएगा अब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसे आप क्लासीफाई नहीं करोगे एज प्लान एक्सपेंड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर देन ज्यादा फंड्स जो हैं एलोकेट किए जाएंगे हेल्थ एजुकेशन रेलवे रोड्स, डिफेंस एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और फूड सब्सिडी के लिए देन सब्सिडीज जो हैं वो प्रपोज की जाएंगी और बेटर टारगेटेड जो है करने के लिए कि जो नीडी है उसी तक सब्सिडी पहुंचे उसके लिए डीबीटी uh, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कहते हैं उसे यूज किया जाता है देन एफर्ट्स की जाएंगी इम्प्रूव करने की टैक्स टू जेडीपी रेशो बाई इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ टैक्स और जीएसटी इसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन जो नेक्स्ट है उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच